राजधानी लखनऊ में बीते मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां के बादशाह नगर में ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आनंद फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय अंदर 15 लोग मौजूद थे। हालांकि काफी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जिम के नीचे एक भवन में एक बिल्डिंग में आग लगी थी और ये एक कमरा था जहां पर की बैटरीज रखी हुई थी। वो एग्जैक्ट वहां पर इस समय क्या काम चल रहा था ये अभी इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस कमरे में आग लगी जहाँ पर कि ये बैटरीज रखी हुई हैं। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवर चार्जिंग की वजह से क्या कारण रहा है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आग लगी और इसके बाद आसपास के जो भवन हैं वहाँ पर भी धुआं फैल गया, तो हमारे जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसने इस पर आग पर तत्काल काबू पाया और सभी लोगों को निकाला गया। एक व्यक्ति जो घायल थे उनको सिविल अस्पताल में भेजा गया और वहाँ अभी सूचना प्राप्त हुई है कि उनकी दुखद मृत्यु हुई है। तो इस एपिसोड में, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और बाकी सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। अभी आग पर पूर्णतया काबू पाया जा चुका है और अभी अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। हमारी टीम्स ने इसको एश्योर कर लिया है कि ऊपर से नीचे तक सभी जगह पर देख लिया गया है, कहीं कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा। कितने लोग थे टोटल सर फंसे हुए थे? बताया जा रहा है कि 17 लोगों को निकाला गया है और एक व्यक्ति जो जख्मी हुए थे उनको सिविल अस्पताल भेजा गया था जहाँ पर उनको दुखद मृत्यु। बगल में से पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, आग से अगर पेट्रोल पंप को नुकसान पहुँचता तो ये बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, इस तरह की जो ज्वलनशील चीज़ें हैं या जो इस तरह के प्रोबेबल जिसमें आग लग सकती है, ऐसी चीज़ों को पेट्रोल पंप के आसपास में नहीं होना चाहिए। और ये अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या बैटरीज के साथ क्या है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।